हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज है आपका 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, व्यापम का एग्ज़ाम हो, PSC, कोई भी जो एनी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से जो कि देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। बस आपको 10 से 15 मिनट यहाँ पे आपको डेली बेस पे आपको देना पड़ेगा। बाकी जो सब्जेक्ट हो आप डिले कर सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होते हैं आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा। आप यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं भाई, बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में जो EWS जो कमज़ोर लोगों के लिए यहाँ पे कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो हाल में जो बिहार सरकार ने 10% जो है आपका यहाँ के EWS के लिए, यहाँ जो कमज़ोर लोगों के लिए यहाँ पे न्यायिक सेवाओं के लिए यहाँ पे 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत यहाँ पे जो राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की राजधानी पटना है बिहार की, और यहाँ के सरकारी जितने भी लॉ कॉलेज वगैरह है और जितने भी यूनिवर्सिटी है इनमें जो EWS वालों के लिए यहाँ पे 10% जो है आरक्षण देने की यहाँ पे घोषणा यहाँ पे की गई है। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस, ये जो विश्व डाक दिवस है ये आपका कब मनाया गया है। 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो प्रत्येक वर्ष जो है 9 अक्टूबर को विश्व भर में वर्ल्ड पोस्ट डे है, आपको विश्व डाक दिवस बोलते हैं इसको। तो इसको हम दुनिया भर में जो है विश्व भर में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको पहले बार देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड देखेंगे तो 1969 में इसको पहले बार इसको मनाया गया था, शुरुआत की गई थी, और तब से जो डाक सेवा के प्रति इसकी उपयोगिता के लिए, खास करके विश्व डाक दिवस इसके उपयोगिता के देखते हुए जो विश्व डाक दिवस हम 9 अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। डी विजमैन को, क्रेटालिन कारिको को, क्लाउडिया गोल्डिन को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन, नाम को याद रखिएगा। इसके पहले में इसमें जितने भी नोबेल प्राइज़ मिला है जो हर क्षेत्र में जो हर आपका इसके मैं सुबह उसको क्लास को अपलोड कर दी, उसको बढ़िया ट्रिक के माध्यम से बताया गया, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में क्लास डाल चुकी है तो उसको जाके बढ़िया देख लीजिए। उसका PDF टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हूँ, तो वहाँ से बढ़िया आप यहाँ पे उसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो मैम अपलोड की हैं वो आपका ट्रिक के माध्यम से बताएं, उसको बढ़िया याद कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF भी बढ़िया एक बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हाल ही में 2023 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपके क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, याद रखिएगा कि आपका ये जो पुरस्कार है अर्थशास्त्र या आपका जो इकोनॉमिक में जो है 2023 के लिए नोबेल प्राइज इनको दिया गया है, जो पुरस्कार है आपका लेबर मार्केट में, जो लेबर मार्केट में महिलाओं की उनके जो भागीदारी, उनके जो मेहनत को देखते हुए उनके रिसर्च के लिए आपको इनको ये जो अवार्ड है उनको दिया जा रहा है। ये पुरस्कार नोबेल प्राइज ये आपका अलग ही पुरस्कार होता है। 1991 में इसको इसको शुरुआत की गई थी, तो 2023 के लिए इनको रिसर्च के लिए इनको दिया जा रहा है। और ये आपके हार्वर्ड जो क्लाउडिया गोल्डिन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी प्रोफेसर है वर्तमान में, तो इसको याद रखिएगा सी ऑप्शन। तो इसका जो पूरा डिटेल वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से मैडम बनाई हूँ, तो उसको बढ़िया जाके देगी, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश का सबसे पुराना थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI बोलते हैं, ये आपके कब तक होने वाला, पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल IMHF बोलते हैं इसकी जो मेज़बानी करेगा। 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर इसका आयोजन किया जाएगा। एक तरह का जो फेस्टिवल होता है जो थिंक टैंक है, इसकी जो स्थापना है लगभग 1970 में स्थापना किया गया था, और ये आपका खास करके विश्व में जो जंगों के जो इसकी जो भूमिका है इसी उद्देश्य से जी आपका जो है आपका एक तरह का जो फेस्टिवल है ये आपका 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को मनाया जाए। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
IORA मंत्रिपरिषद की जो बैठक की मेजबानी कौन करेगा, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। IORA का ये मंत्रिपरिषद के जो बैठक यहाँ पे किया जा रहा है। IORA आपका फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंडियन ओशन रिंग एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको यहाँ पे महासागर रिंग एसोसिएशन इसका बोला जाता है। ये तरह का है क्या जो संगठन है, जो मंत्री जो बैठक है, ये जो है IORA, ये आपका ये जो संगठन है आपका किसका संगठन, काम कर क्या करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, IORA अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें बहुत सारे देश इसमें जुड़े भी हैं, अलग से जो है इसमें हमारे लगभग 23 राज्य इसमें शामिल भी हैं। तो ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें जो हिंद महासागर के लगभग लगे 23 राज्य इसमें शामिल हैं, और ये आपका जो जलवायु और महासागर से जो मुद्दे पे जो संगठन इस मुद्दों पे अवैध जो है हर साल जिसके जो बैठक किया जाता है, इसकी जो इस बार जो मेज़बानी है श्रीलंका को यहाँ पे दी गई, जलवायु संबंधित यहाँ पे मुद्दों पे बात किया जाता है। और बात करूँ यहाँ पे श्रीलंका के, श्रीलंका की राजधानी क्या है जी? तो श्री जयवर्धन जो कोट्टे है यहाँ की राजधानी है, कोलम्बो यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो रानिल विक्रम सिंधे यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर गुरुवर्धन जी यहाँ के आपका प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जो खामती चावल को GI टैग मिला है? खामती चावल एक तरह का चावल की एक प्रजाति है, तो खामती चावल इसको जो GI टैग, ये जो भौगोलिक संकेत है, अलग पहचान दी गई है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो खामती चावल थोड़ी बात करते हैं, खामती चावल पे, खामती चावल ये आपका यहाँ के जो पहाड़ी इलाकों में जो है खासकर पाई जाती है। ये चिपचिपा चावल का एक किस्म है, और आपके स्वाद के लिए चिपचिपा चावल के किस्म है, और अपने स्वाद के लिए इसको जाना जाता है। प्रोटीन से भरपूर या मतलब सेहत का एक तरह से बहुत ही लाभदायक चीज़ है, ऐसा करके इन लोग का कहना है। और कुछ दिन पहले मैं अरुणाचल प्रदेश में याकचुरपी, यहाँ के तीन चीज़ को GI टैग मिले, एक तो याकचुरपी एक तरह का पनीर है और यहाँ के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, और एक तो आपका दूसरा हो गया खामती चावल। खामती चावल के बाद एक और है आपका लोकता वस्त्र, ये वस्त्र प्रजा जो आपका हाथ से कोसा से बनता है वस्त्र, ये आपका लोकता वस्त्र। तीन चीज़ के जो है यहाँ का जो याकचुरपी, खामती चावल, लोकता वस्त्र, इस तीनों को अरुणाचल प्रदेश में इसको GI टैग यहाँ पर मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी जो नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री कौन है? तो एक तो आथर हैं, साथ ही साथ आपके फिल्म डायरेक्टर, ये आपके कौन सी फिल्म है, द कश्मीर फाइल्स देखे होगी मूवी, इनकी फिल्म ही एक और इनकी नई मूवी आ रही है, द वैक्सीन मार करके मूवी आ रही है। हाँ, तो हाल ही में इनकी जो पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, इनके द्वारा एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, तो इनके द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। द कश्मीर फाइल्स इन्होंने बनाई थी, उनकी जो अपकमिंग मूवी आई द वैक्सीन मार करके, तो इनके द्वारा साथ ही साथ इनकी बुक के साथ ही जो अपने फिल्मों के भी इनके द्वारा प्रचार किया गया है, तो इसको याद रखिए इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में, तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नगर पालिका जो प्रशासन शहरी विकास मंत्री हैं के टी रामा राव यहाँ के नगरी और शहरी विकास मंत्री, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है क्या? आते ये जो है खास करके यहाँ पे हैदराबाद सिटी में जो एक साइकिल ट्रैक है, पूरी तरीके से आपका सौर ऊर्जा से संचालित है, जितने भी जो प्लेट लगा रहता है सौर ऊर्जा से देखे होंगे, तो प्लेट पूरी तरीके से ज़मीन में बिछाया गया है, और इसी तरह जो है आपका सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होगा। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह है, होटल वगैरह, यहाँ से बहुत से जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक रोड मैप तैयार किया, इसमें जो आपका जो साइकिलिंग इस पर चला सकते हैं, एक दिन जो है यहाँ पे जो है एक दिन जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक तरह की साइकिलिंग किया जाएगा, साइकिल से है एक तरह का ऑफिस जाएंगे, और एक तरह के हेल्थ भी अच्छा डेवलप होगा। तो ये खास करके सरकार के द्वारा ये सब यहाँ पे जो हेल्थवे का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये चौथा राज्य आपका त्रिपुरा है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाले आपका चौथा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। इसके पहले और है आपका, एक तो पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा यूपी,
तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका चौथा त्रिपुरा है। तो याद रखें चारों राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य है। ई कैबिनेट क्या होता है? तो ई कैबिनेट ये आपका एक तरह का पेपरलेस होता है, मतलब जितने भी सरकारी जो बैठक होती है, जो एक तरह का डिजिटल व्यवस्था लाना है, जैसे पेपर पेन कागज़ जो होते हैं इसको एक तरह का उपयोग कम करना है और डिजिटलीकरण को यहाँ एक तरह का विकसित किया जाना है, बढ़ावा देना है। सरकारी सेवा हो, सरकारी जो बैठक वगैरह होती है, ये तरह का डिजिटलीकरण किया जाना है। तीसरे चौथा ऐसा अपनाने वाली कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला है आपका चौथा राज्य त्रिपुरा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 6वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के कौन से शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है कोच्चि शहर में, इसका 6वें कृषि विज्ञान कांग्रेस है, कृषि से संबंधित एक जो है आपका सम्मेलन है, तो कोच्चि में इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री रूपाला जी इसका जो है उद्घाटन करेंगे। ये आपका 10 अक्टूबर कल किया गया था, 10 अक्टूबर को कोच्चि में किया गया था। इसमें खास करके कृषि से संबंधित भूमि पानी कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र और जिसमें कृषि से संबंधित इन मुद्दों पे जो है आपका सम्मेलन यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो नीति आयोग है इसको थिंक टैंक नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हाल ही में नीति आयोग ने कहा महिला नेतृत्व विकास पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो आयोजन है आपका गोवा में किया गया है। गोवा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी पणजी, प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम हैं और यहाँ पे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रोजगार, साथ ही साथ रोजगार के साथ इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं ताकि जो महिलाओं को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिले और इनको आगे प्रोत्साहित किया जाए। इसी तरह का जो यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे गोवा में किया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। इसके तहत बहुत सारी योजना भी लाई जा रही है सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है। हाल ही में जो टेरेंस डेविस का निधन हुआ है, ये आपके कौन थे? लेखक, गायक, फिल्म निर्माता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म निर्माता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़ी इसके ऊपर जानते हैं, जो टेरेंस जो डेविस है ये आपका ब्रिटिश फिल्म मेकर है, याद रखिएगा। ब्रिटिश जो है आपका फिल्म मेकर हैं, इनका 70 साल की एज में इनका हाल ही में डेथ हो गया है। तो आपका कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका फिल्म निर्माता है, तो इसको याद रखिए। निधन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा जिला बना है? तो ये आपका बरेली, ये आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है, बरेली नाम सुने होंगे। तो ये आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्टर यहाँ इसके तहत यहाँ पे लगाया जा रहा है और जो स्टूडेंट के जितने भी सरकारी जो विद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं एक तरह के इनको डिजिटलीकरण पढ़ाया जा रहा है। इन लोगों को जो सामग्री इनको डिजिटल रूप से जो भी जैसे डिजिटलीकरण में जो PDF वगैरह बुक वगैरह सभी आपको इन जो स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला आपका बरेली बना है। इसके तहत जो स्टूडेंट को नोट्स भी डिजिटलीकरण PDF उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तहत यहाँ पे सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला आपका बरेली बना है, याद रखिएगा। एक तरह का डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाना है और जो स्टूडेंट हैं लोग हैं तरह जो आपके आगे और लेके जाना है, इसी उद्देश्य यहाँ पे जो सुविधा उत्तर प्रदेश इसी तहत यहाँ पे दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो आपका दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। तो आपके लगभग इसमें और लगभग 10 देश से 122 कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें आपका फिलीपींस हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, बहुत सारे जो कंट्री जो है इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये आपका महोत्सव का आयोजन किया जाए, इस फेस्टिवल का जिसमें डांस म्यूजिक फेस्टिवल है दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिनों के जो है कार्यक्रम चलेगा। ये आपका 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव है, दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें हमारे भारत के जो सांस्कृतिक कला महोत्सव इसमें आयोजन किया, अलग अलग जो कंट्री अपने हिस्से जो 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 स्टेट में जो कंट्री में जो संस्कृति वगैरह है उसमें यहाँ पर एक तरह का प्रदर्शन किया जाना, एक तरह का देखेंगे तो डांस म्यूजिक फेस्टिवल है, तो इसको याद रखे। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा भी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में
हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज, ये आपका 1000 है ना, 1000 रन बनाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आपका डेविड वार्नर। याद रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये क्रिकेट प्लेयर है, कहाँ के खिलाड़ी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर रुचि लेते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे। तो डेविड वार्नर हाल में जो ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला रिकॉर्ड ही इन्होंने बनाया है, जो कि किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। इन्होंने डेविड वार्नर ने 1000 ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो मुद्दा चल ही रहा है। हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? चाइना, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। तो हाल ही में इजराइल में, अभी तो यहाँ का जो स्थिति सभी देख रहे होंगे यहाँ पर, तो इजराइल में जो है अमेरिका के द्वारा अपने लड़ाकू विमान है, ये आपका इसराइल के सहायता के लिए भेजा जा रहा है यहाँ पे अमेरिका से। और यहाँ पे जो विमान, यहाँ पे जो घातक लड़ाकू विमान है, इसकी खासियत देखेंगे तो ये आपको पूरी तरीके से, ये आपका लदा बारूद हथियार से ये आपका लदा विमान है, और इसराइल को यह है उनके सहायता के लिए इसको दिया जा रहा है। और ये आपके जो हमास के लिए, जो हमास है, ये जो इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, जो खिलाफ इसको बेंजामिन जो नेतन्याहू हैं, जो यहाँ के इसराइल के जो कि प्राइम मिनिस्टर है, तो बाइडेन के बीच ही आपका बात हुआ है, जिसमें आपका जो F-35 जो है आपका लड़ाकू विमान, इसमें भेजा जा रहा है अमेरिका इजराइल के सहायता के लिए। और जो हमास है इसके लिए, जो इसको खिलाफ इसको मैदान में उतारने की भी तैयारी यहाँ पे की जा रही है, ये आपका पहुँच चुके हैं इजराइल में। अब देखते हैं कब इसको स्टार्ट किया जाए, पूरी तरीके से आपका हमास के लिए इसको भेजा जा रहा है, हमास के ये आपका जो या जो लड़ाकू विमान है पूरी तरीके से, ये आपका खास करके जो 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 दुश्मन है आपका पूरा से मतलब घेर घेर के पूरा ख़त्म कर दिया, इतना पूरा पूरा गोला बारूद से लदा हुआ हथियार है, तो जो विमान है आपका इजराइल भेज चुका है अमेरिका, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो आपके राजस्थान से हासिल की है, कहाँ से आपका फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है आपका 810 मेगावाट सौर ऊर्जा से, तो इसको याद रखिए। NLC इंडिया क्या है? तो NLC इंडिया ये आपका NLC ऊर्जा जो ऊर्जा क्षेत्र परियोजना पे काम करती है, संचालन करती है, और इसका 1956 में इसकी स्थापना किया था केंद्र सरकार के द्वारा, इसको याद रखिएगा। तो ऊर्जा क्षेत्र के ये आपका ये काम करती है, इस परियोजना पे संचालन करती है। तो हाल में जो NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटो योजना यहाँ पे हासिल की है, तो राजस्थान में हासिल की है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अशोक गहलोत यहाँ के CM है, चीफ मिनिस्टर, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो ये जो समझौता है सऊदी अरब के साथ समझौता किया है, तो भारत ये आपका सऊदी अरब दोनों देश को बीच ये समझौता किया गया है, ये आपका हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया। हरित हाइड्रोजन कहने का मतलब ये आपका विद्युत इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन के लिए समझौता किया गया। इसके जो स्वच्छ हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में ये आपका काम करने के लिए दोनों देशों के बीच ये आपका समझौता हुआ है, तो इसको याद रखिए। जो समझौता है 8 अक्टूबर 2023 को ये समझौता किया गया है, सऊदी अरब और भारत के बीच ये आपका हुआ है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, जो दिवस है कब मनाया गया है? जी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है इसको 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसको प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाया जाते हैं? मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूकता देने के लिए, जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल इसको है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले 1992 जो है आपका 92 में इसको मनाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थीम क्या है? तो मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये आपका थीम है, इसको याद रखिएगा। 2023 के लिए थीम रखी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं, इसी के लिए जो थीम है मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, इसका थीम रखी गई है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये आपका WHO
जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व जो स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा जो थीम की रखी गई है, और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, इसी उद्देश्य से थीम को रखी गई है WHO को द्वारा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।